हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। सीजीएल 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, और बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि मेंस का जो आपका पेपर हो डिस्क्रिप्टिव का एक साथ होगा या नहीं। जैसा कि नोटिफिकेशन जब कैलेंडर आया था तो दोनों एक साथ इन्होंने लिखा था कि दोनों की एक ही डेट होगी, यानी कि टोटल आपका 5 घंटे का जो पेपर होगा जिसमें आपका इंग्लिश का होगा 2 घंटे का, 2 घंटा मैथ्स का होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव का चलेगा। अब स्टूडेंट ने आरटीआई भी लगाए थे कि क्या ये पेपर एक साथ हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसा अभी तक वेबसाइट पे आपको शो किया गया है वैसा ही आप का देखा जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह देना चाहता हूँ कि जब तक आपके मतलब जब एडमिट कार्ड आएंगे वो 10 से 15 दिन पहले आपके आएंगे, तो तभी पता चलेगा कि इनका एग्ज़ाम इकट्ठा होगा या नहीं। तो आप रिस्क मत लेना, आपको तैयारी दोनों की करनी है, मेंस की भी करनी है और आपको डिस्क्रिप्टिव की भी करनी है। और मेंस के लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ें मैंने बनाई हैं, ट्रिकी से कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली काम आएंगी, वो मैं आपको बताऊँगा। और सबसे पहले जान लेते हैं सीजीएल 2019 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो ये जो आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 135 से 140 के बीच में आपकी जा सकती है, बिल्कुल इतनी ही आपकी कट ऑफ जो है वो जा सकती है। अब बात कर लेते हैं बाकी हमारे जो कोर्सेज हैं। देखिए मेंस के लिए जो आपके हैं, मेंस के लिए इंग्लिश में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंग्लिश के लिए, एक तो है आपकी वो कैप्स की बुक, ठीक है। वो कैप्स के लिए बेस्ट सेक्शन, जितनी भी अभी भी वो कैप सेक्शन की जो आपकी जितनी भी वो कैप्स आई थी, इडियम एंड फ्रेजेस आए थे, वो जो मैंने आपको बुक्स प्रोवाइड की थी उसी में से आई हैं लगभग सारी वो कैप्स। और मेंस में थोड़ी सी टफ आती हैं, तो आप मेंस के लिए थोड़ा सा बेटर करके जाइएगा, ये मैं सोचेगा कि हमें सब आता है, बहुत स्कोरिंग पार्ट रहता है ये। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव की आपको साथ साथ प्रिपरेशन करनी है, तो दोनों के लिए मैंने आपकी 7 बुक्स जो हैं वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 7 बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं, या तो आप 125 मुझे गूगल पे कर सकते हैं, 7 बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ईमेल के थ्रू, या फिर आप एक काम करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। एक बार मैं आपको बुक्स दिखा देता हूँ। पहले है आपकी एसएससी स्मार्ट क्लासेस की 2000+ एंड ईडीएम एंड फ्रेसिस, बहुत ही बेस्ट बुक है। इसमें जितने भी आपको ईडीएम एंड फ्रेसिस हैं जो आपके टू द एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में आ जाती हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर इनको जो है वो करके जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ये आपकी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ईडीएम एंड फ्रेसिस की बहुत ही बेस्ट लेटेस्ट टॉपिक जितने हैं लेटर्स एंड एसे हैं, फॉर्मेट हैं, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। टू द ओरिएंटेड हैं ये, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं ये आपके, फॉर्मेट है, सैम्पल है, ऐसे लेटर हैं, 400+ हैं ये। यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव की बुक है, जितने भी लेटेस्ट टॉपिक हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए हिंदी में दिए हुए हैं ऐसे लेटर, टोटल वो कैप्स की भी मैं आपको 4 बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको इंडिविजुअल आप लेना चाहें। तो भी आप ले सकते हैं इंडिविजुअल, बहुत ही बेस्ट है ये, इसको आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। मतलब आपकी 4 वोकैब्स की बुक इस तरह से है, एक वोकैब्स की बुक पढ़ के आपको थोड़ा क्लियर होगा, अगली आप वोकैब्स पढ़ोगे अगली बुक से तो आपकी और जो चीज़ें हैं क्लियर होंगी, थर्ड बिल्कुल आपको ब्रशअप कर देगा आपके माइंड को, और सारी वोकैब्स आपको याद होने लगेंगी, और ये अगली वोकैब्स की बुक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।